हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एमएम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पावर प्लांट के कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके आगे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर दिए थे, तो उसका जो जो क्वेश्चन है वो डिस्कस उस वीडियो को भी आप देख लेना। चलो शुरू करते हैं। बॉयलर संस्थापन में प्राकृतिक द्रव उत्पन्न होता है। इस तथ्य के कारण कि भट्टी गैसें हल्की होती हैं, चिमनी के माध्यम से बाहर ठंडी हवा कुछ जगह देती हैं। इस तथ्य के कारण कि ग्रिड दबाव के कारण कोलन गर्म के कारण चिमनी बेस पर दबाव अधिक होता है। इस तथ्य के कारण कि चिमनी के शीर्ष पर दबाव उसके वातावरण पर अधिक से अधिक उपरोक्त सभी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये कारण है बॉयलर संस्थापन में प्राकृतिक ड्राफ्ट जो उत्पन्न होता है। इस तथ्य के कारण कि ग्रेट पर दबाव के कारण गर्म कॉलम के कारण चिमनी बेस पर दबाव से अधिक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिमनी की दी गई ऊंचाई और चिमनी उस गैसों के औसत तापमान के लिए मसौदा, तो बाहरी ऑप्शन देखते हैं। बाहरी हवा के तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, बाहरी हवा में तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ता है, बाहरी हवा के बावजूद वही रहता है तापमान, और बाहरी हवा के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ या घट सकता है। तो ये ऑप्शन सही है। बाहरी हवा के तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, क्या करता है मतलब वो ये पूछ रहा था कि चिमनी चिमनी की दी गई ऊंचाई और चिमनी गैसों के औसतन तापमान के लिए मसौदा है। तो मतलब अगर यदि बाहरी हवा के तापमान में मतलब वृद्धि होती है तो वृद्धि के साथ हवा के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है गैसों का औसत तापमान। अगला क्वेश्चन। दी गई ऊंचाई की चिमनी द्वारा दिए गए बाहरी तापमान पर निर्मित ड्राफ्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं। चिमनी गैस तापमान बढ़ने पर घटता है, चिमनी गैस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, चिमनी गैस तापमान के बावजूद समान रहता है। और अगला ऑप्शन देखते हैं। तो बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। चिमनी गैस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, चिमनी की गैस का तापमान चिमनी गैस तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, चिमनी की ऊंचाई के द्वारा तापमान रहते हैं। अगला क्वेश्चन। मौजूदा मसौदा प्रणाली के लिए चिमनी का मुख्य कार्य मुख्य रूप से है ईंधन के लिए तेजी से लाने के लिए मसौदा तैयार करना, तो इसका सही ऑप्शन है। तो मतलब मौजूद